मुर्दा है? मेरा मुर्दा है जैसे मेरी बहन थी, मतलब बहनी लग रही है, तो मतलब उसको तो जो मारा है उसका फांसी का फंदा मिलना चाहिए, सजा मिलना चाहिए, सही में हम है। आज हम लोग दरभंगा वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में आए हुए हैं ज्ञापन देने के लिए, और हम नालंदा से चल के आए हैं, और हमारी मांग है यहाँ के वरीय पुलिस अधीक्षक से कि हमारी बहन के साथ जो बलात्कार कर हत्या कर दिया गया है दरभंगा में, एक तरफ ज्योति पासवान पूरे दरभंगा के नाम रोशन करती है, अपने पिता को हरियाणा गुड़गांव से साइकिल पर चला के दरभंगा पहुंच जाती है लॉकडाउन में, और पूरे देश दुनिया की निगाह दरभंगा के ज्योति पासवान पर निगाह टिकी हुई थी उस समय, वहाँ अमेरिका के जो है राष्ट्रपति के बच्ची जो है इनका जो है ट्विटर पर काफ़ी मैंने चर्चा किए, और दूसरी तरफ एक गरीब ज्योति कुमारी पासवान जिनके पिताजी बहुत गरीब हैं, बहुत कमज़ोर परिवार से हैं, फिर भी वो हमारे बाबा वीर शिरोमणि चौहड़मल के वो वंश हैं, हमारे बेटी के साथ अर्जुन मिश्रा जी से घिनौना अपराध किया है ये मनुवादी लोग, इसलिए हम आज यहाँ के वरीय पुलिस को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। और मैं नालंदा से हूँ, इसलिए मैं विकास पुरुष जो कहलाते हैं पूरे बिहार और देश में माननीय नीतीश कुमार जी, मैं उनसे ये मांग कर रहा हूँ कि आपके छत्र छाया में जो पूरे बिहार में दलितों पर अत्याचार और जुर्म किया जा रहा है, पूरे बिहार में देखा जाए तो दलित पर जुल्म और अत्याचार किया जा रहा है, गाजर मूली के तरह हत्या किया जाता है, बलात्कार किया जाता है, आप सरकार में हैं, हमारी संख्या पूरे भारत में 85% है, बहुजन और मूल निवासियों की संख्या पूरे भारत में 85% है, हम आपको सत्ता में लाते हैं, सत्ता के सुख प्राप्त आप करते हैं, लेकिन आज जब दरभंगा में इस तरह की घटना घटी है तो आप चुप क्यों हैं, ये सवाल द ग्रेट भीम आर्मी के पदाधिकारी लोग आपसे पूछ रहे हैं। मैं उन दलित नेताओं से भी पूछना चाहता हूं जो हमारे वोटों से केंद्र में मिनिस्टर बन जाते हैं और अपने घर का चिराग जलाते हैं, लेकिन हमारे गरीब समाज में एक चिराग बुझ गई है, उसके लिए माननीय रामविलास पासवान और चिराग पासवान भी आज तक बयान नहीं दिए हैं, ऐसे नेता और प्रिंस पासवान, ऐसे नेताओं को मैं बताऊंगा इलेक्शन में। मैं पहले भी कहा था कि जो नारा दिया था माननीय रामविलास पासवान कि मैं उस घर में दीप जलाने निकला हूं जहां सदियों से अंधेरा है, तो मैं कहता हूं माननीय रामविलास पासवान के कि हमारे घर में आज भी अंधेरा है, ज्योति पासवान के हत्या किया जाता है, आप चुप रहते हैं, आप क्यों नहीं आवाज उठाते हैं, आप अपने घरों के चिराग को जलाते हैं लेकिन गैर पासवान पे आपका निगाह नहीं है, इसका भी इसका जवाब उन्हीं का क्षेत्र पड़ता है प्रिंस राज का, जबकि उनका भतीजा का ये क्षेत्र है, उनका लोकसभा क्षेत्र पड़ता है, प्रिंस राज का लोकसभा क्षेत्र है, लेकिन अभी तक प्रिंस राज का एक बयान नहीं आया है, ना ट्विटर पर आया है, ना फेसबुक पर आया है, ना व्हाट्सएप पर आया है, इस तरह के हमारे दलित नेता है। हम दलितों से कहना चाहते हैं कि आने वाले समय में ऐसे दलित नेताओं को जूता दिखाने का समय आ गया है, एक तरफ ज्योति पासवान समाज का नाम रोशन किया पूरे देश और दुनिया में, और दूसरे तरफ माननीय रामविलास पासवान समाज को बेचने का काम करते हैं, इसलिए हम लोगों ने जो क्रोध मन में रखा है आने वाले समय में हम बताएंगे, और यहाँ के जिला प्रशासन से मैं विनती करने आया हूँ, आराधना करने आया हूँ कि आप बहन ज्योति कुमारी पासवान को इंसाफ दें, अन्यथा अमर आजाद के नेतृत्व में हम 2 अप्रैल को दिखाए हैं संपूर्ण भारत को, और नरेंद्र मोदी को झुकाकर हमने दिखाया है, और अगर ज्योति कुमारी पासवान के हत्यारे को अरेस्ट नहीं किया गया तो हम पूरे बिहार में आंदोलन करेंगे।